राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़का है तड़का मॉर्निंग की कॉल लेना इसमें फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई सीईटी ग्रुप डी है, ग्रुप डी खातर एनटीए ना है, आज सवेरा सवेरा तड़का तड़का जमानु करारी न्यूज भेज दी है। एडमिट कार्ड सीईटी ग्रुप डी के आज जारी होंगे, ग्रुप सी के पेपर 15 तारीख तक होंगे, कोनी हो सारी की सारी डिटेल देख लो के कुछ खबर आई है के कुछ मेटेरियल आया है आज की वीडियो का। मैं उसका पहला भाई देखो तमना बेरा है किसी भी अगर कंपिटेटिव एग्जाम का मैं अगर सेलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस सेट की सबसे ज्यादा अहमियत हो है। तो हम सारे ना मेरा प्रैक्टिस सेट बोला जिस दी मॉक टेस्ट बोलना है ठीक है। और जो आप ना ग्रुप सी के जो प्रैक्टिस सेट काटे थे ना जिन बच्चों ने लिए थे उनना बेरा भी है वो सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पेपर का मैं आया था। एक ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट ने बहुत से बच्चे ने बोले जी डिस्काउंट दे दिए थोड़े मारे महंगे पड़े हैं ठीक है पेपर भी लो वाला है। तो मैंने इसके ऊपर डिस्काउंट काट दिया 120 रुपये की बजाय में ठीक है आपको मात्र 78 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। आपको कैपिटल अक्षर का मैं बड़े अक्षर का मैं MOH ठीक है और 35 कोड लगाना है 35% डिस्काउंट मिल जाए। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ठीक है उसने डाउनलोड कर लियो। उड़ा है टेस्ट सीरीज का ऑप्शन हो जाएगी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट, आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे ठीक है। डेली 2-3 दिन में एक सेट डलता, 7 सेट डल चुके हैं ठीक है, आज 4-5 और डाल दूँगा सांझ अलग ठीक है। तो 78 रुपये के अंदर जो भी लेना चाहो MOH 35 आज रात तक, सिर्फ आज रात तक ये कोड रहोगा, रात के 12 बजे तक जो भी साथी इंटरेस्टेड हो प्रैक्टिस सेट लगाई देखना चाहता हूँ, अपनी तैयारी परखना चाहता हूँ मेरी कड़ा कमजोरी है कड़ा कोनी ठीक है, इन तनु बेरा पैट जा है और इम्प्रूवमेंट आओगी और निखारा आओगी इस तब मतलब और नहीं तो गणा नहीं तो 10-1 नंबर का तो बेनिफिट जरूर करेंगे ठीक है। बाकी तारी मर्जी है, तारा जो इच्छा हो कर लियो। देखो अब के परीक्षार्थियों को आज या कल NTA बताएगा किस शहर में होगी परीक्षा। 11.84 लाख युवा अक्टूबर माह में ही देंगे परीक्षा, 21-22 अक्टूबर को ही होगा भाई सीईटी ग्रुप डी का पेपर। बहुत से बालक नो भी डाउट में थे जी के 21-22 अक्टूबर ना सीईटी ग्रुप डी का पेपर होगा को नहीं होगा, तो 100% आपका 21-22 अक्टूबर ना सीईटी ग्रुप डी का पेपर होगा। कहते हमने सोचो ग्रुप सी की डाल पत्ता फेर दें है वो सिस्टम नहीं है। देखो पूरी की खबर है ये ग्रुप डी के 13,000 से अधिक पदों के लिए अक्टूबर महीने में होने वाले सीईटी अक्टूबर महीने में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। परीक्षा देने वाले युवाओं को आज या कल में NTA द्वारा उस शहर का नाम बता दिया जाएगा जहां उनकी परीक्षा होनी। अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे, सिर्फ आपको सिटी अलॉट होएंगी ठीक है। जैसे भाई मान लो आपका जो भी है ठीक है आप तीनों का जैसे आप हिसार के हो तो नू सिटी कर दिया आपका सेंटर सिरसा है ठीक है। नू एग्जैक्ट सेंटर को ना बतावें कि कौन सा स्कूल है, कै बजे का पेपर है, कौन सी तारीख ना, कौन सी शिफ्ट में, या चीज़ को ना बतावें, सिर्फ सिटी अलॉट होंगी वह कौन सा शहर का आपका पेपर है। जबकि सेंटर का नाम परीक्षा के पहले रोल नंबर जारी कर ही बताया जाए, सेंटर के नाम पेपर तय 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले जब भी एडमिट कार्ड आओगे जिद बताया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया ग्रुप डी के लिए सीटी 11.84 लाख युवा देंगे, युवा अपनी ID से लॉग इन कर सीटी का पता लगा सकेंगे जहाँ को परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। ये सारा मैं बता दूंगा, YouTube पर अपडेट कर दूं, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो @JCapitalT छोटे अक्षर में ARGT जे टारगेट नाम था ठीक है। 91,000 सब्सक्राइबर पाऊंगा उसने ज्वाइन कर लियो, उड़ाती अपडेट दे दूंगा। बस सेंटर आए को नहीं, हरियाणा के 18 जिलों में यह परीक्षा होगी जबकि चंडीगढ़ में परीक्षा का आयोजन है कराया जाएगा। NTA की ओर से ग्रुप डी के होने वाले CET 1 माह में रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो CET ग्रुप डी का पेपर होगा इसका 1 महीना के अंदर अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी 21-22 नवंबर तक पहला आपका रिजल्ट है आएगा। यानी नवंबर में रिजल्ट आने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 31 दिसंबर तक है 13,000 से अधिक है ग्रुप डी के पदों पर भर्ती पूरी हो जाएगी। इसके लिए आयोग पहले से ही तैयारी के अंदर जुटा है, झुकरे रिजल्ट जारी करेंगे इनके फटाफट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके चेकिंग चुकिंग करके इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। मुख्य सचिव है जो अपने संजीव कौशल, वो कुछ दिनों में ग्रुप डी के लिए होने वाले CET को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि CET के दौरान किसी तरह की कमी है वो आड़े ना आए। इससे पहले ग्रुप सी के लिए भी हुई CET में बैठक को लेकर समय समय पर अधिकारियों को निर्देश है देते रहे। 3.59 लाख युवाओं को ग्रुप सी के लिए प्रीफरेंस देने का समय 9 अक्टूबर तक ही सारे ने बेरा है। बसों में निशुल्क यात्रा इसका निर्णय है कटर साहब लेंगे, ये अपने हाथ में नहीं है ना HSSC के हाथ में है। और यो है भाई CET ग्रुप सी का पेपर 15 नवंबर तक, भाई कल CM साहब ना मतलब कि कितने प्रोग्राम था रूडा मीडिया थी ये बयान दिए थे कि भाई अब की बार जो 31 अक्टूबर ना जो कोर्ट की सुनवाई है उसका मैं हम सटे हटवा लेवाएंगे और 15 दिन का अंदर अंदर शेड्यूल जारी करके पेपर भी ले लेवाएंगे ठीक है। यह बात ग्रुप सी खातर कही है CM साहब ना, ये कल के उसके अंदर भी है न्यूज आई हुई थी ठीक है, कल CM साहब ने जो बयान दिए थे। तो भाई ये थी ग्रुप डी की NTA की तरफ से न्यूज। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड अभी CET जारी हो जाएगी आज या कल के अंदर, जैसे ही CET जारी होगी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है। सारे थी राम राम धन्यवाद, लड़ा रह लो खेजे और एडमिट कार्ड पेपर था 2-3 दिन पहले आओगे ठीक है। भाई रेस्ट करो, फरमाओ ओ आराम फरमाओ और पढ़ लो अपना, आराम ना फरमाओ पढ़ने का टाइम है, सारे मुँह पूरे नेट 15 दिन रह रहे हैं ठीक है। 15 दिन है, जी तोड़ मेहनत कर लो, नहीं पाछा रो गया खम गुट्ठे देगी ठीक है। अच्छे से तैयारी करो।